एक चैनल बना लेते हो, 50 रुपए एक माइक ले लेते हो, बन जाते हो यूट्यूबर तुम लोग। अच्छा, ये गलत तरीका है। ठीक है, बोल रहे हैं भाई साहब आप, मैं बोल रहे हैं। हाँ, जब प्रशासन आएगी सामने तो मैं भी सामने आऊंगा फिर। आप अच्छा, 50 रुपए का माइक ले लेते हो और एक छोटा सा चैनल बना लेते हो तो तुम बन जाते हो यूट्यूबर। बाकी लोग को यूट्यूबर नहीं है बल्कि बड़े बड़े बादशाह हैं। बाकी यूट्यूबर यूट्यूबर नहीं बल्कि पत्रकार है, इस शख्स का ये कहना है। संतोष कुशवाहा नाम के एक शख्स जो यूट्यूब और फेसबुक पर पत्रकारिता करते हैं, सोल यूपी हिंदी उनका चैनल है। जब गोरखपुरिया भौजी और राधा राज के मामले में जब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, यानी कि ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ, और वायरल होने के बाद इस वीडियो को उन्होंने आके बता दिया कि आखिर ये मारपीट क्यों हुई, उसी मामले में संतोष कुशवाहा को बहुत बड़ी धमकी मिलती है। यानी धमकी क्या कि सिर्फ और सिर्फ खबर चलाने की, यानी कि कोई भी व्यक्ति जाए मारपीट करे, जबकि मारपीट करने के बावजूद जब संतोष कुशवाहा की ये वीडियो वायरल होती है कि गोरखपुरिया भौजी के पति को महिला ने क्यों पीटा, ये कैसा समझौता है चले लात घूस से जैसी खबर बनाते हैं, और खबर बनाने के बाद जब वायरल होती है तो तुरंत वह शख्स जो इसमें बोल रहा था संतोष कुशवाहा को फोन करता है और धमकियां देना शुरू करता है, कहता है कि पुलिस पहुंचेगी, पुलिस का रोब दिखाता है, 50-50 रुपए का माइक की बात करता है। जरा इस ऑडियो को जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद इसे इतना शेयर करिएगा ताकि लोगों को एहसास हो जाए। तो ऐसे ही लोग धमकी भी देते हो, एक चैनल बना लेते हो, 50 रुपए एक माइक ले लेते हो, बन जाते हो यूट्यूबर तुम लोग। अच्छा, गलत तरीका है। ठीक है, बोल रहे हैं भाई साहब आप, मैं बोल रहे हैं। हाँ, जब प्रशासन आएगी सामने तो मैं भी सामने आऊंगा फिर, आप जान भी जाओगे कि मैं कौन बोल रहा हूँ। ठीक है, प्रशासन आएगा ना तो प्रशासन को आप जवाब देंगे ना। हाँ, प्रशासन को आप जवाब देंगे। हाँ, आप कौन होते हो इसे ₹2 आप कैसे कर दिए कि 50 रुपए के माइक लेके चले आते हो? आपने चैनल देखा है? ऐसे लोग ही घूम रहे हैं, ऐसे तो घूम रहे हैं लोग। सुनो, आपने चैनल देखा है मेरा? एक चैनल सुनिए तुम्हारे, एक सुनो, हेलो सुनो, गर्मी से नहीं समीर से, ठीक है, मैं भी बात कर रहा हूँ। पहले ये बताओ कि किसी बदतमीजी की सारी हदें पार की है आपने, ये मुझे बताओ कि तुम्हारे 50 रुपए का माइक लेके? नहीं नहीं, और मैंने आपको कहा ऐसे लोग यूट्यूबर बहुत बने घूम रहे हैं, अब तुम्हारे तो एक चैनल पे भी तुम्हारे चैनल पे डाल देने से वीडियो वायरल हो गया जो तुम बता रहे हो वायरल वीडियो था। आप किस चैनल पे, किस आईडी पे वीडियो पड़ा है ये मुझे बताइए। जिस तरीके से आप बोल रहे हो ना कि दो कौड़ी का दो जो है, क्या गलत बोल दिया? नहीं तो क्या गलत बोल दिया? क्या कर लोगे? क्या बोल दिया? क्या कर लोगे? फर्जी तुम किसी का वीडियो चढ़ाओगे? फर्जी है वो, बिल्कुल फर्जी वीडियो है। ठीक है, आपने नहीं क्या इसका आपने लाइव टेलीकास्ट चलाया जो आपको लग रहा है कि रियल वीडियो है? भाई साहब, वीडियो मिला हमने चढ़ा दिया। अब हम कह रहे हैं ये 5 साल पुराना वीडियो है, आपको आज मिला आप चढ़ा दोगे? तो 5 साल पुराना वही तो दोनों नहीं, वही दोनों एक है आज, और आप वीडियो चढ़ा दोगे? वो पब्लिसिटी में दिखाओगे कि इनका उनका विरोध है? अगर वो सुलह समझौता हो गए हो तो आज भी उनको लड़ा दोगे तुम इस वीडियो के माध्यम से? सुनिए, 5 साल अगर पुराना वीडियो रहेगा ना, 5 साल पुराना वीडियो रहेगा तो वो 5 साल चलता है, उसकी पुष्टि होती है। हम कह रहे हैं अगर ये 10 महीने 1 साल 2 साल पुराना वीडियो हो और तुम्हें कल मिला है तो क्या तुम 1 साल 2 साल पुराना वीडियो चढ़ा दोगे? आज दोनों सुलह समझौते के साथ में एक साथ काम कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं, साथ घूम रहे हैं, तो तुम क्या दर्शाना चाह रहे हो कि मैं अपने चैनल से वीडियो डाल के पुनः वहाँ कत्ल करवा दूं? तुम ये दर्शाना चाह रहे हो? इसके जिम्मेदार आप हो गए, आपके ही चैनल पे चढ़ा है, अगर कहीं किसी चैनल पे चढ़ा नहीं ना, किसी न्यूज वाले ने लिया है। सुनिए, न्यूज वाले ने लिया, चैनल लिया, इस तरीके से झगड़ा हुआ है वीडियो कि कहीं लड़ाई नहीं हुआ? आप कहाँ झगड़ा दिखा रहे हो? झगड़ा हुआ है कि छुड़ा रहे थे लोग आपस में, बात कहानी बात हो रही थी। सुनिए मेरी बात, अच्छा सुनिए, इस उस वीडियो में हमने बोला भी क्या है? बोला कि भाई इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते। हाँ, नहीं आप पुष्टि नहीं कर रहे हैं तो नहीं, तो मैं पुष्टि आप नहीं कर रहे हैं तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज दोनों एक समझौता होके 1 साल पहले का वीडियो आपको कल मिला, आप वो चढ़ा दिए, ठीक है, आप वो कह रहे हो इस तरह से झगड़ा हो रहा था। अगर रास्ते में कोई 2 लोग 4 लोग 6 लोग खड़े होके बहस कर रहे हो और कोई सज्जन व्यक्ति जा रहा हो अपने गाड़ी से रुक के उतर के और समझौता करवा के जो है साइड कर दे दोनों को, तो क्या आपको लग रहा है कि वहां गोली चलवा रहे हैं लोग? इसकी पुष्टि आप कर रहे हैं? नहीं, इसकी पुष्टि आप? हेलो, ये बताइए, दोनों पार्टिकल सुलह हो गया थाने पे,
और वहां पे लिखा भी कि एक दूसरे की वीडियो लेकिन मत करिएगा, ठीक है, नहीं सुखिया डालिएगा। अब आपने नेट पे चढ़ा दिया, अब दोनों क्या चाहते हो, दोनों मार के ले फिर? नहीं नहीं, मार क्यों करेंगे, वो मारपीट करते यार, फर्जी से वीडियो कैसे चढ़ा दी भाई साहब आप? अरे नहीं, ऐसे फर्जी कैसे, वो वीडियो वायरल हुआ है तभी तो मिला है। वायरल कहाँ से हुआ है जब ये सब आती नहीं यहाँ पर, यहाँ पुलिस केस हो गया था, वहाँ फैसला केस हुआ। नहीं सुनिए सुनिए भैया, केस हुआ तो केस हुआ, तो वो बात अलग की है, लेकिन आप जैसे आप नहीं कह सकते ना कि ये वीडियो कहाँ से हमको मिला है, कौन दिया है। नहीं नहीं, वो मैं तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में हमारे, अगर ये मैटर थाने पे हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो थाने पर भी हम जाएंगे तो वो पुलिस वाला पूछेगा तो नहीं बताएंगे कि वीडियो किसने दिया हमको। अच्छा मतलब आप नहीं किसको डिलीट करोगे? कहीं डिलीट कर दे, डिलीट करने के लिए तो नहीं हमने डाला है। तो आप इसको कवर करने आए थे क्या आप? नहीं हमने कवर नहीं किया, हमको वीडियो चढ़ा दिया, किसने आपको दे दिया वीडियो, तो पूछ रहा हूं, बता भी नहीं रहे। फिर वही बात, आपको हमने बोला ना कि वीडियो, हम अपने सूत्र का नाम कैसे आपको बता देंगे? सूत्र का नाम सही है, लेकिन सूत्र यहाँ कोई था नहीं, सूत्र आपका कौन आ गया यहाँ पर? अब कोई भी रहा हो, अब कैसे हम बता दें आपको कि नहीं वो फलाना ने दिया है किसी को? हम जब यहाँ पे थाना पे फैसला हो गया तो आप फालतू का उसको बात बढ़ा रहे हो न्यूज पे डाल के। यहाँ लोग फोन करे, दोनों पार्टी फोन करिए, कौन डाल दिया, जब हमारा फैसला हो गया तो क्यों उन्होंने चढ़ा दिया? दोनों पार्टी में समझौता हो गया तो हम तो वहाँ पे थे नहीं। हाँ तो इसको आप डिलीट कर दीजिए, बस आपसे निवेदन है। ये सर हम नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हो आप? नहीं, वो प्रशासन कराएगा आपसे। हाँ तो ठीक है, प्रशासन पूछेगा हमसे, प्रशासन को हम जवाब देंगे। अभी आप प्रशासन को एक मिनट, वीडियो आप चढ़ाए हो तो फिर प्रशासन डिलीट करवाएगा, आपका चैनल भी जाएगा और आप परेशान भी हो जाएंगे। ऐसा है सर ना कि हमको ये सब मत बताइए। नहीं तो क्या आप यहाँ से नहीं लाइव कवरेज लेने आए थे यहाँ पे? नहीं, तो लाइव कवरेज लेने आए तो किसी के बिना अनुमति के किसी का आप चेहरा उठा के वायरल करोगे? अरे वीडियो वायरल हुआ है तो वीडियो डाल क्यों, किस चैनल? तो नहीं नहीं, तुम्हारे एक चैनल से तुम उठा के डाल दियो तो वायरल हो गया तुम्हें लग रहा है? तुम्हारे एक चैनल पे डालने से वीडियो वायरल हो गया कि अगर किसी और चैनल पे पड़ा है मुझे बताओ? अच्छा हमको मिला है, हमने डाल दिया भाई। तो तुमको मिला तो क्यों डाल दिए? किसी का प्राइवेट वीडियो तुम उठा के डालोगे? प्राइवेट वीडियो किसने बनाया यार? तुम लोग एक चैनल बना लेते हो, 50 रुपए एक माइक ले लेते हो, बन जाते हो यूट्यूबर तुम लोग। अच्छा ये गलत तरीका है। कौन बोल रहे हैं भाई साहब आप? मैं बोल रहे हैं। हाँ जब प्रशासन आएगी सामने तो मैं भी सामने आऊंगा, फिर आप जान भी जाओगे कि मैं कौन बोल रहा हूँ। ठीक है, प्रशासन आएगा ना तो प्रशासन को हम जवाब देंगे ना। हाँ प्रशासन को हम जवाब देंगे। हाँ आप कौन होते हो इसे? ₹2 आप कैसे कर दिए कि ₹50 के माइक लेके चले आते हो? आपने चैनल देखा? ऐसे लोग ही घूम रहे हैं, ऐसे तो घूम रहे हैं लोग। सुनो, आपने चैनल देखा है मेरा? एक चैनल सुनिए, तुम्हारे एक सुनो, हेलो सुनो, गर्मी से नहीं समीश से, ठीक है, मैं भी बात कर रहा हूँ। पहले ये बताओ कि किसी के बदतमीजी की सारी हदें पार की है आपने? ये मुझे बताओ कि तुम्हारे ₹50 का माइक लेके नहीं नहीं, और मैंने आपको कहा ऐसे लोग यूट्यूबर बहुत बने घूम रहे हैं, अब तुम्हारे एक चैनल पे भी तुम्हारे चैनल पे डाल देने से वीडियो वायरल हो गया जो तुम बता रहे हो वायरल वीडियो था? और किस चैनल पे किस आईडी पे वीडियो पड़ा है ये मुझे बताइए। जिस तरीके से आप बोल रहे हो ना कि दो कौड़ी का दो जो है, क्या गलत बोल दिया? नहीं तो क्या गलत बोल दिया? क्या कर लोगे? क्या बोल दिया? क्या कर लोगे? फर्जी तुम किसी का वीडियो चढ़ाओगे? फर्जी है वो, बिल्कुल फर्जी वीडियो है। ठीक है फर्जी। आपने इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, इस ऑडियो को जरूर सुनिएगा, सुन लिया पूरा ऑडियो? ऑडियो में क्या स्पष्ट हो रहा है? स्पष्ट यही हो रहा है कि संतोष कुशवाहा के द्वारा बनाई गई खबर पर इस व्यक्ति ने, जिन्होंने उनको फोन किया और वीडियो डिलीट करने की बात कही, और वीडियो डिलीट करने की बात से अगर बार बार ना करने लगे, संतोष कुशवाहा ने कहा कि हम वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, तो वो क्या से क्या बक दिया? क्या समझ रहे हैं? ऐसे ही पत्रकारिता को कमजोर नहीं किया जा रहा है, ऐसे ही पत्रकारिता को रोज बर्बाद करने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लोग हम जैसे यूट्यूबर पत्रकारों को धमकियां देकर के हमारी आवाज को दबाने का काम करते हैं। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, संतोष कुशवाहा के बारे में क्या सोचते हैं और उस दो मामले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।